अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो भाई मैं जरा अपने हाथ सैनिटाइज कर लूँ, क्योंकि जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है बहुत स्केरी होती जा रही है, बहुत सीरियस होती जा रही है, और लोग इसको अभी भी सीरियसली और स्केरी नहीं समझ रहे। लोग कह रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, अभी तक हम तक नहीं पहुँचा तो क्या हुआ, और भले इतनी सारी वीडियोज़ बन रही हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन चल रही हैं ताकि इस बारे में अवेयरनेस फैले कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और मेरे बोलने की वजह से लोगों तक प्रॉपर अवेयरनेस पहुंच जाती है, देन आई हैव टू टॉक अबाउट दिस इशू, आई हैव टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। अब हर जगह कोरोना वायरस 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 हुआ है, आई थिंक सबको पता होगा कि क्या होता है कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। कोरोना वायरस जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मुझे समझ आई है, इट्स नथिंग मोर देन अ कोल्ड देन अ फ्लू। मतलब नॉर्मली अगर आप कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऐसा ही होगा, बुखार चढ़ चढ़ जाता है, आपको खांसी होगी, हो सकता है नज़ले, फ्लू की तरह ही होता है ये। और इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि आपको खांसी, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा होती है, और आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये वायरस जो इटसेल्फ, इट्स नॉट वेरी डेडली, इसकी जो फिटेलिटी रेट है वो बहुत हाई नहीं है, लेकिन ये बहुत फास्ट स्प्रेडिंग वायरस है। और मेन जो मसला है वो हम यंग लोगों को नहीं, अगर हम इन्फेक्ट भी हो जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेंगे, और हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग इन्फेक्ट हुए उनको पता भी ना चला हो एंड दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। लेकिन मसला जो असल है ना वो है बुजुर्ग लोगों के लिए और इन्फेंट्स के लिए, क्योंकि जो इनका इम्यून सिस्टम होता है ना वो होता है काफ़ी वीक, तो इनको सबसे बड़ा मसला होता है। उसके बाद होता है जिनके पास प्री कंडीशन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा होता है, डायबिटीज़ है, ये सारे लंग से कोई मसला है, तो उन लोगों को अगर ये हो गया कोरोना वायरस तो उन लोग के लिए बहुत डेडली, बहुत फेटल साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक चीज है ना जिससे ये कोरोना वायरस को हम टैकल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस पे इतना एम्फेसिस क्यों है। यार जो वायरस है ना ये है बहुत फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो हम एक एग्जाम्पल दे लेते हैं ताकि समझ आ जाएंगे क्यों सोशल डिस्टेंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यार आप अभी भी इस कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक की सिचुएशन में ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वो हो सकता है प्राइवेट हो, सकता है कॉर्पोरेट हो, आप ऑफिस जाते हैं तो अगर उधर किसी को भी कोरोना वायरस था और वो वायरस आपको किसी भी तरीके से लग गया, आपने किसी फ्लाई को हाथ लगा लिया, कोई बंदे ने छींका, उसके कुछ आपको ड्रॉपलेट्स आ गए, कुछ ही वजह से आपको वायरस ट्रांसमिट हो गया, तो जब आप घर जाओगे तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस जाता हूँ वायरस लेके आता हूँ, मेरी वजह से मेरे छोटे भाई को लग जाता है। अब मेरा छोटा भाई अगर अपने दोस्तों में जाके बैठता है चाय पे और चार दोस्त बैठे हैं, उनमें से दो दोस्तों को लग जाता है वायरस, तो वो दो दोस्त जब अपने घर पे जाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स को लग जाए, या वो दो दोस्त जब किसी और ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो ऐसे ही स्प्रेड होता रहता है। तो वो चेन टूटे ही कैसे, क्या होता अगर वो बंदा जो ऑफिस गया है, या मैं ऑफिस गया हूँ, अगर मैं घर पर रहता तो मैं वायरस को कभी लेके ही नहीं आता, और ना मेरे छोटे भाई को होता, ना छोटे भाई के दोस्तों को होता, ना छोटे भाई के दोस्तों की फैमिली को होता, या फर्दर दोस्तों को होता। तो इस तरीके से ये जो पूरी चेन होती है ना ये टूटती है, ये वायरस स्टॉप होता है। इसलिए सब इतना बोल रहे हैं कि अपने आप को आइसोलेट करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लोगों से मत मिले, घरों पे रहें। ये सारा मेन पर्पस है कि जो वायरस का स्प्रेड है ना ये रुके। द वायरस इज नॉट डेडली बट द वायरस इज वेरी फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत कंटेजियस है। तो इसलिए प्लीज सेल्फ आइसोलेशन, डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, खुदा का वास्ता। पहली बार मैं जिंदगी में ना सिंध गवर्नमेंट को सल्यूट करना चाहूंगा, जितना उन्होंने अच्छे एक्शंस लिए, जितना एक्टिवली उन लोगों ने ट्राई किया चीजों को कंट्रोल करने की, दे हैव टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स। ये नहीं सोच रहे कि यार जब चीजें हाथ से निकलेंगी तब हम एक्शन लेंगे, वो अभी से एक्शन ले रहे हैं। और अब तो जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ कराची, तो लॉकडाउन पूरा सिंध जो है उनको लॉकडाउन में कर दिया, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो सबसे सीरियस मसला है वो अभी है लोगों को सोशल डिस्टेंस करने का, लोग आपस में ना मिले, कम से कम निकलें। लेकिन भाई हम लोग हैं सेल्फिश, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। थोड़े दिन पहले मैं खड्डा मार्केट से मेरा गुजर हो रहा था और मैंने देखा लोग निकले हुए हैं, मतलब पूरे हर चीज़ बंद, ऑफिस बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद, लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि यार हमें छुट्टियां मिल चुकी हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई थिंक आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस इशू, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे एज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग भी घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, शायद मेरे बोलने से आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ आ जाए। तो इसलिए प्लीज़, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, स्टॉप बीइंग सेल्फिश, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए तो आप रिकवर कर जाओगे, लेकिन अगर गलती से मैं अगेन बोलूंगा आपकी वजह से कोई हुई और इन्फेक्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई या बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच गया, तो आप क्या मुंह दिखाओगे यार। मतलब आपको जब गवर्नमेंट बोल रही है, जब आपको सब बोल रहे हैं कि प्लीज स्टे इनसाइड योर हाउसेस, डोंट गेट आउट, अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी बैठ जाएं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, अपना ख्याल रखें, फिर भी लेकिन अगर आपको घूमने फिरने, लोगों से मिलने हैं, हर जगह जाना है, दोस्तों की बैठक लगानी है, फिर तो हम खुद ही जिम्मेदार हुए ना कि हम खुद इस चीज़ को फैला रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो थोड़े टाइम के लिए, दो हफ्ते की बात है, हो सकता है एक महीने की बात हो, लोगों से मिलना आप कम कर दें,
प्लीज स्टॉप शेकिंग हैंड्स. मतलब अगर कोई आपके बड़ा भी है किसी से, वैसे तो मिले ही कम, अगर मिलना भी पड़ रहा है तो दूर से मिले, उससे हाथ मत मिलाएं, दिल पे हाथ रखें, अस्सलाम वालेकुम बोले, और उनको बोलें ये बात कि कोरोना वायरस की वजह से मैं आपसे हाथ नहीं मिला रहा, ताकि वो भी आगे जाके किसी से हाथ ना मिलाएं. हर थोड़ी देर बाद मेक श्योर करें कि अपने हाथ को आप अच्छी तरह 20 सेकंड 30 सेकंड तरह साबुन से धोएं. अगर साबुन अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज करें. और मुझे पता है कि सैनिटाइजर की कितनी कमी हुई हुई है, मतलब आप दुकान पर जाते हो तो रेट डबल ट्रिपल पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए एक ब्रांड से इंट्रोड्यूस करूँ जिसका नाम है मार्सल एंड एलेक्सर. और ये जो ब्रांड है सैनिटाइजर का, ये मेरे दोस्तों ने मतलब बहुत मेहनत करके पिछले बेचारे 6-7 महीने से सैनिटाइजर पर लगे हुए थे, एंड दे फाइनली कम अप विद एन अमेजिंग प्रोडक्ट, अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. और जो उन्होंने प्राइस पॉइंट रखा है ना, भले जितनी भी शॉर्टेज हुई है सैनिटाइजर्स की, दे हैव केप्ट इट वेरी अफोर्डेबल. और आपको पता है मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जिनको मैं बैक कर सकूँ, जिनको मैं खुद यूज कर रहा हूँ. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द, मेरे अपने ऑफिस में पड़ा हुआ है मार्सल एंड एलेक्सर, ये इनकी बॉटल है. इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल. तो उनको जितनी भी डिटेल्स है मैं नीचे बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो प्लीज गो चेक एम आउट. और क्योंकि भाई मैं खुद तो मैं सैनिटाइजर गाड़ी में भी यूज कर रहा हूँ, मेरे घर पर भी सैनिटाइजर है, मेरे ऑफिस में भी सैनिटाइजर है, एवरीवेयर आई गो. भले लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो कि आप इतनी क्या हो गया यार, लेकिन आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ से वायरस लग सकता है. भाई आप अपने लिए मास्क कैरी करें, अगर आपकी जाना बहुत जरूरी है मास्क पहन के निकले. और मेरे जो घर और मेरा ऑफिस है ना, वो काफी करीब है, जहाँ मैं आके शूट करता हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे भी मैं मास्क पहन के निकलूँ. मैंने अपने ऑफिस में सिर्फ मैं होता हूँ अभी, मैंने अपनी पूरी टीम को बोल दिया है, भले हमारा लॉन्च बहुत करीब है विनीर का, मैंने फिर भी बोल दिया यार प्लीज गाइस स्टे एट होम, हम लोग जो काम है वो वीडियो कॉल पर डिस्कस कर लेंगे, अपने घरों से काम करो. मैं सिर्फ मैं होता हूँ, एंड आई मेड श्योर कि मैंने पूरे ऑफिस में सैनिटाइजर रखा हुआ है, आई क्लीन द होल प्लेस अप. और ये भाई सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यार आपको नहीं पता, मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वजह से मेरे अब्बू को ये हो जाए, क्योंकि उनको एस्थमा है, मेरे छोटे भाई को भी इनएक्टिव एस्थमा है. तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि यार मैं ज़्यादातर लोगों से ना मिलूं, जितना कम बाहर मेरा जाना हो. अभी जिस पोजीशन में सिचुएशन है मैं आऊँ, मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था, आई वॉज मूविंग इन टू अ बिग प्लेस, मुझे फर्नीचर देखने जाना था, मुझे विनीर के 100 काम थे, बाहर लोगों से मिलना था, बट आई हैव कट इट ऑफ. मैं नहीं जा रहा क्योंकि भाई आई हैव टू मेक श्योर कि आई टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस, कि मेरी वजह से मेरे अब्बू को, मेरे भाई को, मेरी अम्मी को, जो भी मेरे लोग प्यारे हैं, किसी को ना, मैं अगर दोस्तों से मिलूंगा हो सकता है कि आई एम अ कैरियर और मैं आगे उनको फैला दूँ या वो मुझे फैला दें. यार मैं पता है इतनी सीरियसली इस चीज़ को क्यों ले रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें दूसरों का हाल देख के ना सीखना चाहिए. पहले आई वॉज लाइक यार क्या हो गया, आ रहा है वगैरह, इतना हमें मसला नहीं होगा, लेकिन आप इटली का हाल देखें, सी व्हाट हैपेंड. इटली वाले रो रो के बोल रहे हैं यार कि हम लोग भी इसको मजाक समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि यार ये सिर्फ एक फ्लू है, इससे कुछ नहीं होगा. और एक हफ्ते के अंदर, लेजिट एक हफ्ते के अंदर उनके केसेस स्काई रॉकेट हुए, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके बोला कि यार अब हमें पूरी कंट्री को लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं. और लॉकडाउन होने के बाद भी आप देख रहे हो कि कितनी सीरियस सिचुएशन है. आज न्यूज में आया है कि प्राइम मिनिस्टर बेचारा बोल रहा था कि हमारा ये हाल हो गया कि वी डोंट हैव प्लेसेस टू बरी. और इटली जो है ना, वो हमसे भाई 10-15 गुना आगे होगा हेल्थ फैसिलिटीज के लिहाज से, वो डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है. अगर ये वायरस का ब्रेकआउट हो गया, क्राइसिस आ गया, तो हम लोगों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि हम इसको संभाल पाए. हम अपने अजीजों और प्यारों को खो रहे होंगे, रो रहे होंगे, और फिर कोस रहे होंगे अपने आप को कि हम लोग क्यों नहीं अंदर बैठे. तो अभी इससे पहले सिचुएशन और हाथ से निकले, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज स्टे इनसाइड, क्योंकि ये जो हफ्ता है ना, ट्रस्ट मी दिस इज़ द मोस्ट सीरियस एंड क्रिटिकल वीक, क्योंकि इस वक्त ना सबसे ज़्यादा वायरस स्प्रेड हो रहा होता है और आपके सामने बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे. अभी तो बहुत सारे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो पता नहीं चला. तो इसलिए अगर ज़रूरत हो तब भी घर से बाहर निकलें. सिंध ने तो लॉकडाउन लगा दिया, आई होप बाकी भी सारे प्रोविंसेस में लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना अनफॉर्चुनेटली ढीठ ही है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रखती, उनको घूमना होता है, उनको फिरना होता है. जब तक लॉकडाउन ना हो, जब तक डंडा ना हो, हम लोग नहीं समझते. तो प्लीज़ स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, लिसन कि हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है और उस चीज़ पे अमल करना है. अपने अराउंड जितने भी लोग हैं, भले वो छोटे तबके के लोग हों, जो भी हों, उनकी हेल्प करें. सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा लोग पिसते हैं ना, वही हैं हम लोग. फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं घर पर रहना, लेकिन वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते घर पर रहना. तो अगर आपकी मासी है, आपके घर पर चौकीदार है, ड्राइवर है, जो है, अगर वो लोग नहीं आ सकते आपके पास क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, और आपको तो वैसे भी उन लोगों को ट्राई करेंगे छुट्टी दे दें, जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी उतनी ये चीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो आप उनको छुट्टी दे दें. लेकिन
पेड लीव दें। अगर आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कोई है जो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी यू नो खाना पीना अपने महीने का राशन, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है तो उनकी हेल्प करें, क्योंकि यार इस ये जो अभी जो है ना हम लोग बड़े सीरियस सिचुएशन में, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में एक दूसरे को मिल के साथ देना, मिल के जो करोना वायरस वाला अजाब हम पे आया हुआ है इसके साथ इसको हैंडल करना है, उसको टैकल करना है। और अगर थोड़े से प्रिकॉशंस ले लिए कुछ टाइम तक, अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए, सेल्फलेस होना हमने छोड़ दिया, तो आई थिंक वी कैन डील विद इट। और इंशाल्लाह बस दुआ करें, अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। एंड आई जेन्युइनली होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोरोना वायरस को इतना लाइटली ना लें, इसको थोड़ा सीरियस लें, सिचुएशन को समझें और अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उन तक भी थोड़ी अवेयरनेस फैलाएं, इस वीडियो को उन तक पहुँचाएं ताकि मसले को थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ जाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मुझे याद है तो दुआ में ज़रूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर बी सोफिस्टिकेटेड।